हेलो मेरे प्यारे गार्डनर दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आज की वीडियो में दोस्तों मैं 10 पेस्टिसाइड्स बताने वाला हूँ और ये बिल्कुल भी ऑर्गेनिक है, तो आप बेझिझक अपने प्लांट्स में इसे यूज़ कर सकते हैं और बहुत अच्छे है ये और इजी भी है, आपके घर पे ही सब कुछ अवेलेबल रहता है। तो आप वीडियो को ज़रूर अंत तक देख लेना और उससे पहले चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा देना दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं हम वीडियो की तरफ। तो दोस्तों हमारे लिस्ट में सबसे पहले पेस्टिसाइड है वो है नीम ऑयल। नीम ऑयल सबसे बेस्ट पेस्टिसाइड है। नीम ऑयल से होता क्या है दोस्तों, जो भी कीड़ा लगता है वो मर जाता है, इसलिए आपको नीम ऑयल ज़रूर यूज़ करना चाहिए। नीम ऑयल के बनाने के लिए अगर आप इस पर डिटेल वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना कि आप इस पर वीडियो बनाइए, मैं उस पर ज़रूर वीडियो बना दूंगा कि नीम ऑयल हम घर पर किस तरह बना सकते हैं। बाय करना चाहते हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो फिर सिंपल रेशो बताऊँ तो 1 लीटर में आपको 2 चम्मच डाल के वो पूरे प्लांट पे स्प्रे कर देना है। अब दूसरा जो हमारे लिस्ट में है जिंजर गार्लिक ऑनियन पेस्ट, तो ये पेस्टिसाइड सबसे बेस्ट पेस्टिसाइड है। तो इसे बनाने के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, आपको लहसुन लेना है, उसमें आपको थोड़े से प्याज डालना है, लहसुन ज़्यादा रखिए, और उसमें आपको अदरक डालना है। इसको आपको मिक्सिंग में पीस लेना है, मिक्सर में अच्छे से पीस के फिर उसको उसमें पानी आपको डाइल्यूट करना है। पानी डालने के बाद उसमें थोड़े से ड्रॉप आपको अपना कौन सा भी तेल डाल देना है, सरसों का तेल नहीं तो नारियल तेल, कोई भी तेल चल जाएगा, वो तेल डालना है ताकि वो पत्ते पे अच्छे से चिपक जाए जब आप स्प्रे करते हैं। तो फिर आपको उसे डालना है और वो आपके प्लांट पर स्प्रे करना है। दोस्तों आप मानेंगे नहीं, इतना बढ़िया पेस्टिसाइड है ये। जो भी कीड़ा लगा होगा, मिली बग्स लगे होंगे, काले कीड़े लगे होंगे, नहीं तो कोई भी फंगस का प्रॉब्लम होगा, सब के लिए ये बहुत अच्छा पेस्टिसाइड है। आप अगर इससे मिट्टी में भी मारेंगे ना दोस्तों, इतना बढ़िया रिजल्ट मिलेगा आपको। तीसरा पेस्टिसाइड है सीधा सर्फ का पानी, नहीं तो शैम्पू का पेस्ट आप डाल सकते हैं। जैसे आप शैम्पू है शैम्पू, नहीं तो कोई भी डिटर्जेंट पाउडर, उसे आप पानी में मिला लीजिए और उसे अच्छे से उसका झाग बनाकर उसे फिर स्प्रे बॉटल में भरकर अपने प्लांट पे स्प्रे कर देना है। अगर आप माने तो आपको जो 1 रुपये का पैकेट मिलता है छोटा शैम्पू का, वो आपको 1 लीटर में नहीं तो आप आधा लीटर में डाल सकते हैं। अगर बहुत कीड़े लगे होंगे तो आधा लीटर में डालिए, और अगर थोड़े से कीड़े लगे होंगे यहाँ यहाँ साइड में पत्तों पे नहीं तो पीछे आगे, तो फिर आपको एक ही पैकेट 1 लीटर में डालना है और अच्छे से स्प्रे कर देना है। अगर आप कुछ बना नहीं सकते हैं तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट पेस्टिसाइड है। अगला पेस्टिसाइड है दोस्तों हल्दी का पेस्टिसाइड। हल्दी का पेस्टिसाइड भी बहुत अच्छा है। तो हल्दी के पेस्टिसाइड को बनाने के लिए आपको हल्दी लेनी है और हल्दी आपको 1 लीटर में 2 चम्मच डाल देनी है। जैसे ही आपने 1 लीटर में डाल दिया उसके बाद दोस्तों आप उसको मिक्स करना है, और उसमें आपको और नाम है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा आपको थोड़ा सा 1 चम्मच नहीं तो आधा चम्मच आपको डाल देना है और उसे मिक्स करना है और आपके प्लांट पे मार देना है। दोस्तों ये भी बहुत अच्छा है। और दोस्तों अगर आपके मिट्टी में कीड़े लगे होंगे ना तो भी आपको हल्दी अपने मिट्टी में उसका भी स्प्रे आप मार सकते हैं, आपके जो मिट्टी में भी कीड़े लगे होंगे वो भी मर जाएंगे। अब दोस्तों चौथा हमारे लिस्ट में आता है वो आप कड़ी पत्ता, जैसे दिखता है आपको कड़ी पत्ता, आपको पत्ते लेने हैं उसके, वो भी सबसे बेस्ट पत्ते हैं। तो कड़ी पत्ते के आपको पत्ते थोड़े लेने हैं, फिर उसे मिक्सचर में पीस लेना है। अगर आप नीम के भी पत्ते उसमें पीस सकते हैं तो कड़ी पत्ते और नीम के पत्ते दोनों मिला के आपको पीसने हैं। उसमें आपको 1 चम्मच हल्दी डाल देनी है और आपको 1 तीखी मिर्च नहीं तो आप कौन सी भी लाल मिर्च उसमें डाल दीजिए और उसे मिक्सर में अच्छे से पीस लीजिए। और उसमें आपको 1 लीटर पानी मिला, मतलब जैसे आपने क्वांटिटी बनाई होगी, अगर थोड़े से ही पत्ते लिए होंगे तो 1 लीटर मिलाइए, मतलब पहले उसे मिक्सचर में थोड़ा पानी डालकर पीस लीजिए, उसके बाद उसे बड़े कंटेनर में पानी में डाइल्यूट कीजिए और उसमें फिर आपको नीम ऑयल डालना होगा तो नीम ऑयल डालिए, इसेंशियल ऑयल डालना होगा तो वो डालिए, नहीं तो आप कोई भी अपने घर का ऑयल डाल दीजिए। और उसमें दोस्तों आप शैम्पू का भी 1 पैकेट डाल दीजिए। ये फिर आपका यूनिवर्सल पेस्टिसाइड बन जाएगा, बहुत अच्छा पेस्टिसाइड है, आप ट्राई करना इसको। आपके प्लांट पे जो भी कीड़े होंगे ना दोस्तों वो पूरी तरह मर जाएंगे। वैसे आप सोच रहे होंगे कड़ी पत्ते पे भी कीड़े लगते हैं, वो इसलिए दोस्तों कि कड़ी पत्ते के अंदर जो होता है ना रस, वही कीड़ों को मारता है। बट अगर कीड़े उसके पत्ते के ऊपर लग गया होगा ना तो कड़ी पत्ता का जो प्लांट होता है वो अपने आप को सेव नहीं कर पाता है, इसलिए फिर ये इसका कारण है कि ये अपने प्लांट को खुद प्रोटेक्ट क्यों नहीं कर सकता कीड़ों से। अब दोस्तों छठवां हमारे लिस्ट में है वो है कॉपर सल्फेट। आप मट्ठे से बना सकते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, मट्ठा ले लेना है, आपको जितना भी मट्ठा लेना है अच्छे से आप उस मट्ठे को लेना है और फिर कोई भी कॉपर का बर्तन होता है या
उसमें उसे डाल लेना है छाछ या मट्ठे को, और फिर उसे 3 से 10 दिन तक उसे ढक के अच्छे शेड एरिया में रख देना है। उसके बाद दोस्तों आप जब उसे खोलेंगे तो उसमें से वो ग्रीन में थोड़ा ग्रीनिश कलर में बदल चुका है, तो वो है आपका कॉपर सल्फेट। वो आपके प्लांट के लिए सबसे बेस्ट फंजीसाइड या पेस्टिसाइड दोनों कह सकते हैं, ये बहुत अच्छा रहता है। तो फिर आप इसे बनाइए और फिर अपने मिट्टी में भी स्प्रे कर सकते हैं, और प्लांट को अगर कीड़े लगे होंगे तो उस पर भी आप स्प्रे कर सकते हैं, और रिजल्ट आप जानेंगे नहीं, बहुत अच्छा मिलेगा। जब भी मट्ठे को स्प्रे करें उसमें थोड़े से ड्रॉप्स आप तेल के ज़रूर मिलाइएगा, ये बेस्ट रिजल्ट आपके प्लांट को देंगे। अब दोस्तों सातवां हमारे लिस्ट में है, वो है इस तेर पत्तों का आपको दिख जाता है जो उसमें से इस तरह दूध निकलता है, वो दूध भी एक पेस्टिसाइड का काम करता है। पर दोस्तों मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूँगा, बट अगर आपके पास कुछ नहीं है तो ये भी स्प्रे कर सकते हैं आपके प्लांट को, ये भी पेस्ट से बचाएगा। बट दोस्तों ये मैं सजेस्ट इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि इसमें हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं, तो अगर आप इसे हाथ लगाते हैं और फिर हाथ धोते नहीं हैं, और अगर इसे आप मुँह में डाल लेते हैं या फिर इसे कहीं लगाते हैं, तो फिर ये चिपचिपाहट तो देता ही है और ये पॉइजनस होता है, तो इससे आपको कोई पेट के इन्फेक्शन भी हो सकते हैं, तो इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूँगा। बट अगर आप स्प्रे करना ही चाहते हैं तो फिर आप इसे सतर्कता से स्प्रे कीजिए और फिर अपने हाथ ज़रूर धो लीजिएगा। इसे पानी में मिलाइए, मतलब आप इसके पत्ते को भी मिक्सी में पीस सकते हैं, मिक्सी में नहीं तो आप सीधा अपने हाथों से इसे पीस लीजिए और पानी में डुबा के रखिए, जैसे ही उसका उसमें उतर जाएगा गर्म पानी में डुबा के रखिए, और उसके बाद उसे गर्म पानी से निकाल के पत्तों को अलग कीजिए और पानी अपने प्लांट पे मार दीजिए। अब दोस्तों आठवां हमारी लिस्ट में आता है, आठवां आपके घर का गर्म पानी है दोस्तों। जी हाँ, गर्म पानी भी सबसे बेस्ट पेस्टिसाइड होता है, पर दोस्तों ये पेस्टिसाइड मतलब इतना पेस्टिसाइड कारगर नहीं है। बट दोस्तों अगर थोड़े सी कीड़े एकदम गिन चिन के 4-5 कीड़े लगे होंगे तो आपको ये बेस्ट पेस्टिसाइड है, कुछ भी बनाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही मार्केट से कुछ आपको लाने की ज़रूरत है। सीधा घर का गर्म पानी लीजिए, थोड़ा सा उसे उबाल लीजिए, वो जब गर्म हो जाए उसमें ही तभी के तभी आपको अगर हल्दी डालना चाहते तो डाल दीजिए हल्दी, और उसमें थोड़ा सा 1 चम्मच नमक डाल दीजिए और उसे अच्छे से मिलाइए, और वो मिलाने के बाद दोस्तों आप अपने प्लांट पे स्प्रे कर दीजिए। आप दोस्तों बढ़िया रिजल्ट आएगा ना आपके प्लांट पे, कि आपके प्लांट के जो 3-4 भी कीड़े लगे होंगे ना वो मर जाएंगे। और अगर आप कुछ नहीं डालना चाहते, सिंपल गर्म पानी, मतलब गर्म मतलब ज़्यादा गर्म नहीं, बस उबलता हुआ थोड़ा सा गुनगुना पानी आपको इस पर स्प्रे कर देना है। अब जो नौवा मैं आपको बताने वाला हूँ वो है काली मिर्च से बनाएंगे हम। काली मिर्च लेनी है आपका, जो काली मिर्च और आपको लाल मिर्च लेनी है, और उसमें आप लहसुन डालिए, और फिर उसके बाद आपको नीम ऑयल डालना है उसमें, और इसे मिक्सी में पीस लेना है, और इसे आप डायरेक्ट मार सकते हैं, बट इसमें थोड़ा पानी ज़रूर मिलाइए। थोड़े से पानी मिलाने के बाद आपको इसे स्प्रे कर देना है। तो ये था हमारा नौवा। अब बढ़ते हैं दसवें पे। इसलिए आपको नीम के पत्ते लेने हैं, कड़ी पत्ते के पत्ते लेने हैं, जैसे हमने अपने पुदीने के भी पत्ते लेने हैं इसमें, और इसे भी मिक्सी में से पीस लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको इसमें हल्दी मिलानी है अच्छे से, उसके बाद लाल मिर्च नहीं तो लाल मिर्च का पाउडर मिला देना है, और उसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिलाना है, और दोस्तों फिर इसे आपको पानी में मिला देना है, और फिर जैसे ही ये पानी में मिल जाएगा दोस्तों, इसमें आपको फिर थोड़े से ड्रॉप्स तेल के डाल देने हैं। कौन सा भी तेल डाल सकते हैं, पर दोस्तों अगर नीम ऑयल ही डाल देंगे, और नीम के पत्ते कैसे क्यों डाल रहे हैं आप सोच रहे होंगे कि हम नीम ऑयल भी डाल रहे हैं और नीम के पत्ते भी डाल रहे हैं, तो उसका भी मैं आपको रीज़न बताता हूँ। क्योंकि जो हम नीम ऑयल डाल रहे हैं दोस्तों इसमें, वो बेस्ट इसे फंजीसाइड का भी काम करता है, और नीम ऑयल कैसे थोड़े दिन पहले से हम बना के रखते हैं खाद महीने पहले, तो वो नीम ऑयल फ्रेश नहीं रहता, बट जो फ्रेश जो हमारी नीम की पत्ती रहती है उसमें बहुत अच्छे बायोएंजाइम्स रहते हैं जो प्लांट को डेवलप करने में भी हेल्प करते हैं, तो वो एज अ फर्टिलाइजर भी वर्क करता है हमारे प्लांट पे। तो फिर दोस्तों आप इसको मिक्स करना है, और आपको इसे डालना है, और इसमें फिर आपको पानी मिक्स करके आपके प्लांट पे अच्छे से स्प्रे करना है। इसमें आपको एक चीज़ ज़रूर बताने वाला हूँ कि जो भी आप पेस्टिसाइड यूज़ करेंगे उसमें यूज़ करना ऐसा नहीं कि आपने बना लिया और फिर आप अपने प्लांट पे स्प्रे कर रहे हैं। दोस्तों उससे पहले आपको ज़रूर ये बात ध्यान रखनी, जैसे आपने स्प्रे बॉटल में भर लिया उसके बाद दोस्तों आपको पैच टेस्ट करनी है। पैच टेस्ट मतलब जो हमारा प्लांट रहता है, देखिए जैसे पत्ती रहती है, तो आपने जैसे ही बना लिया है तो आप अपनी कोई भी पत्ती लीजिए और उस पर अच्छे से स्प्रे कीजिए। बस समझिए ये है इतनी एक पत्ती और ये है मेरा प्लांट, तो मैं इस पत्ती पे इसे मारूंगा और फिर देखूंगा अगर आपके पत्ते दोस्तों इस तरह मुड़ रहे हैं, नहीं तो ये पूरे झुक रहे इस तरह और ये पूरे मुरझा के पूरे सूख रहे, तो फिर दोस्तों 10 मिनट नहीं तो 15 मिनट में ही आपको पता चल जाता है कि क्या हो रहा है आपके प्लांट को।
फिर दोस्तों आपको वो समझ लेना है कि वो आपका बहुत ज़्यादा ही कॉन्सेंट्रेट हो गया है, तो फिर आपको उसमें पानी मिलाना है दोस्तों, और फिर पानी मिला के उसको डाइल्यूट फॉर्म करना है, और फिर ही आपको ये अपने प्लांट्स पे स्प्रे करना है। कैसा लगा आपको वीडियो? वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, और दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ डाउट पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक पे और ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वेबसाइट देख सकते हैं, वहाँ इंग्लिश और हिंदी में आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती है, उसकी भी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है। और दोस्तों मेरा और एक डेली मोशन पे चैनल है, तो आप यूट्यूब से पहले वहाँ वीडियो अपलोड हो जाते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।